चुनावी दौर में छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिशों में जुटी है। आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा। बीजेपी ने प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पहले फेज के 7 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री राजनाथ गांव या फिर बस्तर में सभा ले सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका शेड्यूल निर्धारित नहीं हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीनों में 4 बार छत्तीसगढ़ जा चुके हैं। हालांकि पिछले हर एक दौरे का मकसद राजनीतिक रहा, मगर उन्होंने इस बीच प्रदेश की जनता के लिए करोड़ों के कार्यों की शुरुआत भी की। अब प्रदेश में 7 नवंबर को होने जा रहे पहले फेज की वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री यहां 2 चुनावी सभा ले सकते हैं। उनकी सभा राजनांदगांव व बस्तर में प्रस्तावित है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, हमने स्टार प्रचारकों की सभा के लिए प्रस्ताव भेजा है, साथ ही कई नेताओं ने सभा भी ले ली है। पिछले हर एक दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में लोगों को यह भरोसा दिला दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो काम की गारंटी है और मोदी है तो विकास है। साथ ही 3 महीने के भीतर उन्होंने प्रदेश में 40,950 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को बस्तर के जगदलपुर में सभा की थी। बस्तर में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। सरमा इस दिन प्रदेश में महासमुंद, बिलासपुर और खेरागढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और नामांकन रैलियों में शिरकत करेंगे। वह 26 अक्टूबर को विशेष विमान से सुबह 10:20 पर रायपुर पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से 11 महासमुंद जाएंगे। महासमुंद में शर्मा पहले जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर जिले की चारों विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल के लिए आहूत रैली में हिस्सा लेंगे। वहीं दोपहर 12:30 शर्मा महासमुंद से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। बिलासपुर में आहूत जनसभा को संबोधित करने के बाद शर्मा वहां बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भाग लेंगे। यहां से प्रस्थान करके शर्मा दोपहर 3:20 पर खेड़ागढ़ पहुंचेंगे, जहां वह बीजेपी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:00 खेरागढ़ से रवाना होकर शर्मा राजधानी पहुंचेंगे और शाम को 6:00 नई दिल्ली होते हुए असम के लिए प्रस्थान करेंगे।